जीजी स्कूल ऑफ आर्ट्स च्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनासाठी आणि जीजी स्कूल ऑफ आर्ट्सला एक नवीन वैभव प्राप्त झाला आहे त्याची घोषणा करण्यासाठी उपस्थित आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, महाराष्ट्राचे लाडके नेते आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री आणि मुंबई शहराचे पालकमंत्री श्री दीपक केसरकर जी, आणि ज्या खात्यात ह्या जीजी स्कूल ऑफ आर्ट्सला यांचं सगळं ॲडमिनिस्ट्रेशनचं काम बघितलं जे जातं ते उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटील साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मधले आजी माजी विद्यार्थी, सर्व शिक्षकगण आणि उपस्थित बांधवांना, सर्वप्रथम दीपक केसरकरजींनी आपलं पालकमंत्री म्हणून स्वागत केलं, चंद्रकांत दादांनी आपलं या खात्याचे मंत्री म्हणून स्वागत केलं आणि मी पण आपल्या सर्वांचं इकडे स्वागत करतो, कारण जे जे स्कूल ऑफ आर्ट हे माझ्या मतदारसंघात येतं आणि माझ्या मतदारसंघातलं अगदी प्रमुख ठिकाण म्हणून जे जे स्कूल ऑफ आर्टची ओळख आहे। प्रधान साहब, दक्षिण मुंबई का कुलाबा विधानसभा क्षेत्र ये भारत का आर्ट कैपिटल करके हम पहचान सकते हैं इसको। यहाँ पे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट जैसी वर्ल्ड रेनाउंड इंस्टीट्यूट है जहां पे कला का एक अलग अनुभव देश के और विदेश से आने वाले अनेक व्यक्तियों को प्राप्त होता है। उसी के साथ यहाँ पे जहांगीर आर्ट गैलरी है जहां पे देश के बेस्ट आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए NCPA है और ऐसे अनगिनत आर्ट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। और इसीलिए मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि डायमंड या ज्वेल ऑफ द ये जो आपका मुकुट रहता है वो हमारा जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स है। और मैं समझता हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जो कोई अपने आप को जोड़ सकता है, विधायक के नाते, स्थानीय लोक प्रतिनिधि के नाते, शिक्षक के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट से देश में ऐसे व्यक्तिमत्व प्राप्त हुए हैं जिनकी स्टैंडिंग अनपैरेलल्ड है। और इसीलिए ऐसे इंस्टीट्यूशन में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बेहद खुशी है कि आप स्वयं ऐसे कार्यक्रम के लिए यहाँ आकर यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के शिक्षकों को आपने प्रोत्साहन दिया, इसलिए मन से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। जैसे कि अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्ट किसी भी सोसाइटी के कल्चरल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है और कल्चरली डेवलप जितनी सोसाइटी है उतनी ही सस्टेनेबल वो सोसाइटी हो सकती है। और इसीलिए हमारे देश को सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ले जाने में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जैसी संस्थाओं का बड़ा हाथ है और इसीलिए ऐसे संस्थाओं को प्रोत्साहन देना ये मैं बहुत ही जरूरी है ऐसे समझता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो इस इंस्टीट्यूट से अनेक विद्यार्थी ग्रेजुएट हुए हैं और केवल आर्ट के फील्ड में उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, तो राजनीति में भी इस इंस्टीट्यूट के अनेक विद्यार्थी सक्रिय रूप से आज काम कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में जेजे स्कूल का कंट्रीब्यूशन केवल आर्ट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हुए
मैं समझता हूं अनेक विषयों में इस इंस्टीट्यूट का बड़े मात्रा में कंट्रीब्यूशन है। जब भी हमें कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होता है तो बेझिझक हम एक इंस्टीट्यूट को याद करते हैं, वो है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। पिछले कुछ दिन पहले विधान भवन में हम एक रेनोवेशन का काम हाथ में ले रहे हैं, पूरी बिल्डिंग और उसके इंटीरियर्स को रिफर्बिश करने का प्लान है, और तब वहां पे जब हमें आर्ट इंस्टॉलेशन करने थे तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स की तरफ से जो हमें एडवाइस मिला, जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके कारण ही हम ये पूरा रेनोवेशन का काम अधिक प्रभावशाली रूप से कर पा रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि अभी विधानसभा, विधान परिषद, विधान भवन का विस्तार करने का काम हमारे विचाराधीन है और एक नई वास्तु बनाने का भी काम हमारे विचाराधीन है, और इसीलिए जेजे स्कूल की एडवाइस और जेजे स्कूल का प्रोफेशनल गाइडेंस इस कारण भी हमें अपेक्षित है जो हम लेने वाले हैं, और ये नई वास्तु जो बनेगी उसमें जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का एक बड़ा रोल रहेगा, ये बताते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज इकड़े आपण सर्वजण आजी माजी विद्यार्थी, अनेक वेळा मी पण ह्या परिसरात आलो आहे, इकडच्या शिक्षकांबरोबर चर्चा केली आहे, विद्यार्थ्यांबरोबर गप्पा मारल्या आहेत, हे कोपऱ्याचं कॅन्टीन मी विसरू शकत नाही, तिकडे मिळणारा तो कटिंग चहा विसरू शकत नाही, एका शेड खाली आपण सर्व बसलो आहोत, परंतु त्या शेड मधून देशाला अभिमान वाटेल आणि संपूर्ण जगाला अभिमान वाटेल असे आर्टिस्ट आपण निर्माण केले आहेत। मी या संस्थेला मनापासून शुभेच्छा देऊ इच्छितो आणि हीच अपेक्षा ठेवतो, या संस्थेकडनं असेच चांगले विद्यार्थी ग्रॅज्युएट होतील आणि देशाला जे लौकिक प्राप्त करून देण्याचं काम आहे ते या संस्थेमार्फत होत राहील अशी मी मनापासून इच्छा व्यक्त करतो। आपल्या सर्वांना माहित आहे भारत देश हा जगातला सर्वात तरुण देश म्हणून जाणला जातो, आणि खरोखरच जर आपल्याला हे डेमोग्राफिक ॲडव्हान्टेज आपल्याला या देशाला अव्वल दर्जाचा देश करण्यासाठी वापरायचं असेल तर या देशातलं हा तरुण ॲडव्हान्टेज जो आपल्याकडे आहे, यंगेस्ट नेशन असण्याचा जो ॲडव्हान्टेज आहे, त्या यूथ पॉप्युलेशनला स्किल्ड पॉप्युलेशन मध्ये कन्वर्ट करणं अत्यंत आवश्यक आहे, आणि ही संस्था ते कार्य अति उत्तमपणे पार पाडत आहे। म्हणून या देश निर्मितीमध्ये आणि देशाला पुढे नेण्यात या संस्थेचा जो कार्यभार आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे। मी आपल्या सर्वांना परत एकदा मनापासून शुभेच्छा देतो, खूप खूप धन्यवाद या अत्यंत देखण्या आणि सुंदर कार्यक्रमासाठी मला आपण आमंत्रित करून इकडे माझं मनोगत व्यक्त करण्याची संधी दिली, त्याबद्दलही आपल्या सर्वांचे आभार मानतो, खूप खूप धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।